हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑलवेज विनर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई वर्सेस गुजरात के बीच जो फर्स्ट क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। दोस्तों, आज का जो मुकाबला होगा वो हार्ट बीटिंग मुकाबला होगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे ही तरह महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब दोस्तों, इस मैच की अगर बात करेंगे तो इस मैच में हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको हेड टू हेड 3 मेंबर्स में करना है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ प्लेयर बताऊंगा जिन प्लेयर को हमें ड्रॉप करना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको विकेट कीपर सेक्शन से महेंद्र सिंह धोनी को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी स्मॉल लीग के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, तो इतना ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते। आगे में दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दूं बैटिंग सेक्शन से आपको इन 3 प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए, ड्रॉप करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि दोस्तों इनसे भी अच्छे जो प्लेयर्स है वो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, डेविड मिलर को ड्रॉप करना पड़ेगा, अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, ये तीनों ही इंटरनेशनल T20 प्लेयर है, तो कोई ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर नहीं है जिनका प्रदर्शन खराब है, और तीनों का ही प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, उतना भी ज़्यादा खराब नहीं रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे विकेट ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पे मोइन अली, डासून शनाका, ये अगर बॉलिंग करेंगे तो विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों को ड्रॉप करना भी रिस्की होगा। देखिए, डासून शनाका 4th नंबर पे आएंगे तो ऐसे में स्कोर कर सकते, अच्छे प्लेयर है लेकिन इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। मोइन अली की बात करेंगे, इस पिच पे स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, मोइन अली 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, चांसेस 50% है दोस्तों, और मोइन अली बैटिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बता दो, दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो बॉलिंग सेक्शन से आपको इन 3 बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों नूर अहमद लास्ट मैच में विकेट निकाले थे, मोहित शर्मा, इन्होंने भी विकेट निकाल दिया। दोस्तों यश दयाल की बात करेंगे तो यश दयाल थोड़ा बहुत रिस्की नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे कि तकरीबन हमें 7 से 8 प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसलिए कहूंगा कि मैच थोड़ा बहुत रिस्की होगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको हेड टू हेड 3 मेंबर्स में करना है, 4 मेंबर्स में नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगी, आप जाओगे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक ओपन होगी। दोस्तों लिंक पे क्लिक करके सिर्फ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको टॉस के बाद मेगा लीग की 6 टीम मिल जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको स्मॉल लीग की भी टीम मिल जाएगी। अब दोस्तों इस मैच की अगर बात करेंगे तो आपको बता दूं सबसे पहले देखना होगा वेन्यू कि ये मैच कहाँ पे खेला जाएगा। देखिए चेन्नई की पिच पे मैच खेला जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दूं कि 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, 7 बजे आपको ऑनलाइन रहना होगा। लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम, साथ ही साथ दोस्तों स्मॉल लीग की 1 टीम प्रोवाइड करूंगा हेड टू हेड 3 मेंबर्स के लिए, 4 मेंबर्स में। तो इस मैच में इन्वेस्टमेंट भूल कर भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों मीडियम रखना, ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, और ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। आगे में दोस्तों बात करेंगे, देखिए ये जो पिच है ये बैलेंस पिच है। अब पहले की जो पिच थी दोस्तों बैटिंग पिच थी, जहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलता था, अभी जो पिछले 2 मैचेस हुए थे इस पिच पे, तो हम दोस्तों 3:30 बजे वाले मैचेस का रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, हम 7:30 बजे वाले मैचेस का रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस पिच पे 3:30 बजे वाले 2 मैचेस खेले गए थे। तो ये जो पिच है बैलेंस पिच है, जहाँ पे दोस्तों बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए पेसर और स्पिनर में से दोनों को इक्वल सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं होगा कि पेसर को ही ज़्यादा विकेट मिलेगी, स्पिनर को कम मिलेगी। रविंद्र जडेजा भी विकेट निकालते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये बता दूं कि ड्यू का जो इम्पैक्ट होता है सेकंड इनिंग में, जो भी टीम बैटिंग करती है तो उसे ड्यू का थोड़ा बहुत फायदा होता है, बैटिंग ईजी होती है। आगे मैं दोस्तों बता दूं यहाँ पे जो मैचेस खेले, तकरीबन आप देखेंगे 7 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस में से जो मुझे लगता है कि 5 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, जो कि 7:30 बजे वाले मैचेस में से 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 2 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बता दूं लास्ट के जो 2 मैचेस खेले गए थे इस बीच पे 7:30 बजे वाले, तो वहाँ पे 170 तक का भी स्कोर नहीं बना। और विकेट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, और चेन्नई की और कोलकाता का जो रिसेंटली मैच खेला गया तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 7 विकेट और सेकंड इनिंग में 4 विकेट। और मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि जो टीम पहले टॉस विन करेगी वो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकती है, क्योंकि दोस्तों पिच जो है वो सेकंड इनिंग में बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प करती है। आगे भी दोस्तों बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पेसर को ही मिलेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे स्क्रीन पे तो स्पिनर एंड पेसर को सेम सपोर्ट मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा से यहाँ पे 2 विकेट का अंतर है, लेकिन मुझे लगता है इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और देखिए अब दोनों ही टीमों की बात करेंगे तो क्वालिफायर दोनों ही टीमें हो चुकी है, तो इनका पॉइंट्स टेबल देखने की जरूरत नहीं है। आगे में दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपको बता दूं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीम जो है वो बैटिंग सेकंड करने वाली जीतती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ड्यू का इम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि इस मैच में 200 का स्कोर बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो टीम के हारने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी टीम टॉस विन करेगी, अगर पहली टीम बॉलिंग करती है तो थोड़ा बहुत सेफ है, क्योंकि सेकंड इनिंग में देखा जाए तो बैटिंग को बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस मैच की अगर बात करेंगे पिच के अकॉर्डिंग, अगर बैट्समैन को सपोर्ट नहीं मिलता, बैलेंस पिच होती है, तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो अपने मन में 100% रखेंगे कि 200 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में, और दोस्तों गुजरात टाइटन्स के भी बैट्समैन अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
और देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है 150 के नीचे का बनता है, या फिर दोस्तों देखा जाए तो 150 से लेकर 170, और मुझे लग रहा है पर्सनली कि 170 के ऊपर ही स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों टीम न्यूज़ की अगर बात करेंगे तो आपको बता दूँ दोनों ही टीमें चेंजेस नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है, सात जो प्लेयर्स थे उनके लास्ट मैच में उन्हीं के साथ जा सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। अब दोस्तों ये तो हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, अभी दोस्तों और इन्फॉर्मेशन बाकी है जो इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी जिसकी मदद से हम टीम बनाएंगे। लेकिन टीम बनाने से पहले ये बता दूं कि आपको टीम कहाँ पे बनानी है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है दोस्तों, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। सो दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो विजन 11 पर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीन फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों फैक्टर ये है यहाँ पे, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पे आपको एक क्लिक में आप 100 कॉन्टेस्ट या फिर 1000 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको एक एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपका काफी ज्यादा समय बचता है। साथ ही साथ दोस्तों सेकंड यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर फास्ट विड्रॉल मिल जाता है, 24 घंटे या 2 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। फास्ट विड्रॉल मतलब 5 मिनट के अंदर आपको विड्रॉल मिलना चाहिए, और मुझे तो दोस्तों 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर विड्रॉल मिल जाता है, फिर चाहे वो 5 लाख का हो या फिर 10 लाख का हो। आगे भी दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एंट्री फीस काफ़ी ज़्यादा कम है, और एंट्री फीस कम होने की वजह से आपके पैसे बचते हैं। एज एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं अगर 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे तकरीबन 20 से 25 हज़ार बचते हैं, क्योंकि बाकी ऐप पे अगर मैं प्ले करूंगा तो वहाँ पे दोस्तों उतने ही पैसे मेरे चले जाएंगे। तो दोस्तों पैसे बचाने वाले ऐप होगी तो विजन 11। विजन 11 की लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको 1 लाख रुपये का गिव अवे रखा है, तो वहाँ पे भी दोस्तों विजन 11 की लिंक आपको मिल जाएगी। हमारे 90% दोस्तों मेंबर्स विजन 11 पे प्ले करते हैं, तो आपको भी प्ले करना चाहिए, और आपका दोस्तों इस मैच में क्लीन स्वीप करने का चांस भी 100% बढ़ जाएगा। सो दोस्तों बैक टू इन्फॉर्मेशन, अभी दोस्तों हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे कि दोस्तों बात करेंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या ने लास्ट के तीनों ही मैचेस में बॉलिंग नहीं की, तो इस मैच में बॉलिंग करेंगे कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। जो भी एक्सपर्ट हमें बता रहे कि कर सकते हैं, सकते वाला दोस्तों जो ये है ना प्रॉबेबल है ना, मतलब कर सकते हैं, तो इस पर हम दोस्तों डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों यश दयाल, नूर अहमद, मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, रशीद खान, ये 5 इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे जिनमें से कोई भी बॉलर कम ओवर नहीं कर सकता। अगर बात करेंगे यश दयाल की, अगर यश दयाल 2 ही ओवर कंप्लीट करेंगे या फिर उनकी धुलाई हो जाएगी तभी दोस्तों हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हार्दिक पांड्या इस मैच में भी आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की, तो आपको बता दूं दीपक चहर, पाती राणा, थिक्षणा, देशपांडे और दोस्तों रविंद्र जडेजा, ये तो इनके 5 इंपॉर्टेंट बॉलर है। इनमें से कोई भी ऐसा बॉलर नहीं होगा जिनसे महेंद्र सिंह धोनी चाहेंगे कि यार इसे 2 ओवर कम कराया जाए और मोइन अली से बॉलिंग कराया जाए। पिच के अकॉर्डिंग स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, तो फिर मोइन अली से 2 ओवर कंप्लीट कराए जा सकते हैं। फिर हो सकता है कि यहाँ पे थिक्षणा से ओवर कम कराया जाए, लेकिन ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी कम है। स्कोर कार्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप देखिए ग्रैंडली की टीम बना रहे, ग्रैंडली की टीम में आपको पता है कि टीवीटीआई को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर दोस्तों आप टीवीटीआई का प्रदर्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टीवीटीआई ने कभी भी इस पूरे सीजन में 20 के ऊपर तो स्कोर बनाया नहीं, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा। और दोस्तों अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपकी टीम बाकी लोगों से बेहतरीन बनेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया। तो वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग का भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए। दोस्तों आपके ही फायदे के लिए ये होने वाला है। अब यहाँ से दोस्तों आपको वीडियो पूरी फोकस के साथ देखना होगा, क्योंकि जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो शायद अदर यूट्यूबर आपको समझाए ना समझाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको 100% सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन की, पिच की पहले बात कर देते फिर से एक बार। पिच जो थी वो बैलेंस पिच थी, फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गए थे, सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 8 विकेट गए थे, जो सेकंड मैच था ठीक है, मतलब 7 में से जो 6वां मैच था। 7वें मैच की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी दोस्तों विकेट गए थे, एक तरह से बैलेंस पिच है। बैलेंस पिच में क्या होता है, बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलता है, बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए इस पिच पे अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो पहला बैट्समैन 2 में से 1 बैट्समैन तो फ्लॉप होने ही वाला है, क्योंकि पहले के 6 ओवर में थोड़ा बहुत बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली पेसर को सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बैट्समैन को पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है तो मेरे हिसाब से विद्यमान सा, मैं आपको ये बता देता हूँ कौन किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा। डेवन कॉनवे ओपन करेंगे, विद्यमान सा ओपन करेंगे, MS धोनी तो हम टीम में नहीं ले सकते, MS धोनी का प्लेस इस मैच में कंफर्म नहीं है। एक तो वो खुद को प्रमोट करके 5th नंबर पे आ सकते हैं सिचुएशन वाइज, या दोस्तों 7वें या फिर 8वें नंबर पे आएंगे या फिर बैटिंग ही नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से बैटिंग पिच होती है तो डेवन कॉनवे और विद्यमान शाह को ले सकते हैं। देखिए विद्यमान शाह को ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज इनका लास्ट के तीनों ही मैचेस में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले 81-41 रन की पारी खेली, तो विद्यमान शाह को ड्रॉप करके बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि विद्यमान शाह को जैसे ही हमने ड्रॉप किया तो हमारे पास दोस्तों एक बड़ा प्लेयर आ सकता है जो कि मोइन अली हो सकता है। आप कहेंगे कि मोइन अली का तो प्रदर्शन अच्छा नहीं तो उनको लेना क्यों चाहिए, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए डेवन कॉनवे को पिक कर सकते हैं, डेवन कॉनवे को ड्रॉप नहीं करना है, विद्यमान शाह को ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे
शुभमन गिल ओपन करेंगे, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हैं, शिवम दुबे फिफ्थ नंबर पे, मिलर सिक्स नंबर पे, रहाने थर्ड नंबर पे, टिवेटिया सेवन नंबर पे, अंबती रायडू फोर्थ नंबर पे आते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर बैटिंग पिच हो या दोस्तों बॉलिंग पिच हो इससे मतलब नहीं है, बैटिंग सेक्शन में उन प्लेयर को लेना चाहिए जो दोस्तों इनफॉर्म प्लेयर है। देखिए बैलेंस पिच है, बॉलर्स को सपोर्ट मिला है, लेकिन इनफॉर्म प्लेयर तब भी स्कोर कर सकता है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की बात अगर करेंगे, बैटिंग पिच होती है फिर भी दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो है वो स्कोर नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को तो आपको टीम में देना चाहिए। अब शिवम दुबे की बात करेंगे, फिफ्थ नंबर पे आ रही, शिवम दुबे का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा, लास्ट के चारों मैचेस में इन्होंने कंटिन्यू पॉइंट दिए, तकरीबन 40 के ऊपर ही पॉइंट दिए, तो इस मैच में भी 40 से 50 पॉइंट दे सकते हैं। और 50 पॉइंट वाला प्लेयर हम ड्रॉप क्यों करें, ठीक है, रीजन ही नहीं बनता है कुछ। आगे भी दोस्तों बात करेंगे, डेविड मिलर को ड्रॉप कर सकते हैं, लास्ट के दो मैचेस में फ्लॉप हुए। फ्लॉप होने का मतलब दोस्तों ये भी तो नहीं होता है कि ये अच्छे प्लेयर नहीं, ये काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग बैट्समैन, लेकिन इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। अजिंक्य रहाणे थर्ड नंबर पे आएंगे, अजिंक्य रहाणे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा तीन बैट्समैन को लेना चाहिए, और अगर चौथे बैट्समैन को लेना है तो दोस्तों हम आगे में डिस्कशन करेंगे जब टीम बनाएंगे, लेकिन तीन बैट्समैन को भी फिलहाल के लिए लेना चाहिए, और दो ऑलराउंडर को लेना चाहिए, चार बॉलर को लेना चाहिए, क्योंकि पिच दोस्तों बैलेंस होगी, बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलने वाला है, तो तीन बॉलर्स को लेकर मतलब नहीं बनता है, चार बॉलर्स को लेना चाहिए। देखिए अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, डेविड मिलर, इन तीनों को ड्रॉप करना रिस्की होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, रविंद्र जडेजा सेवन नंबर पे, हार्दिक पांड्या फिफ्थ नंबर पे, विजय शंकर थर्ड नंबर पे आए थे, विजय शंकर इसमें जो थर्ड नंबर पे आएंगे गारंटी 0% है, क्योंकि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बैटिंग ऑर्डर, तो हो सकता है कि टीवीटीआर को सिक्स या सेवन नंबर पे भेजे ताकि इनका जो मिडल ऑर्डर का बैटिंग लाइनअप है वो स्ट्रांग किया जाए। इसलिए दोस्तों हो सकता है कि विजय शंकर को ऊपर में ना भेजा जाए, क्योंकि मिडल ऑर्डर हो सकता है थोड़ा बहुत कमजोर नजर आ रहा है। आगे दोस्तों बात करेंगे, मोइन अली सिक्स नंबर पे आ रहे, लास्ट मैच जो सिक्स नंबर पे आए थे इस मैच में फोर्थ नंबर पे भी इनको भेजा जा सकता है, बॉलिंग करने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन बैटिंग कर सकते। और शनाका की बात करेंगे, फोर्थ नंबर पे आएंगे, शनाका तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे, तो मैच थोड़ा बहुत रिस्की यहीं पे होगा, क्योंकि कौन सा प्लेयर कितना स्कोर करेगा बताना दोस्तों एक्सपर्ट भी खुद नहीं बता रहे, एक्सपर्ट भी यही कह रहे कि कर सकता है, वो तो यही बताएंगे ना कर सकता है, वो थोड़ी ये ना बता रहे कि मोइन अली आज स्कोर करेगा, पिच अच्छी है तो, ऐसे नहीं बता रहे दोस्तों, वो यही बता रहे कि मोइन अली स्कोर कर सकते, मोइन अली कैन बी कम इन फोर्थ नंबर एंड स्कोर माइट बी कितना बता रही है 25-30, तो मुझे तो लगता है यार एक्सपर्ट पे तो उतने भी ज़्यादा भरोसा नहीं रखता मैं। रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, इन दोनों को तो टीम में रखना ही रखना, इन दोनों में से किसी को भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। विजय शंकर के बारे में दोस्तों आगे भी डिस्कशन करेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे, रशीद खान, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, मोहित शर्मा, यश दयाल, ये पांच बॉलर है, दीपक चर, पातिरना, तुषार देशपांडे, थीक्षण है दोस्तों चेन्नई के बॉलर से। अब बॉलिंग सेक्शन से किसको लेना चाहिए ये भी दोस्तों हम टीम बनाएंगे तब डिस्कशन करेंगे। आगे दोस्तों बता दूं, चेन्नई की तरफ से, गुजरात की तरफ से, गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी, यश दयाल और मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, देखिए मोहित शर्मा का कंफर्मेशन तो नहीं है डेथ में बॉलिंग करेंगे। और चेन्नई की बात करेंगे, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, पातिरना और तुषार देशपांडे, तुषार देशपांडे को डेथ में जरूर बॉलिंग करने के लिए दोस्तों लाया जा सकता है, तो तुषार देशपांडे को डेथ में बॉलिंग करने के लिए लाया जाएंगे, तो उनको ड्रॉप नहीं करना है। मोहम्मद शमी को तो बिल्कुल भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। आगे दोस्तों बात करेंगे, 10 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो क्या, 11 प्लेयर पर हम रिस्क लेंगे, आप थोड़ा बहुत गेस कीजिएगा आपको रिस्क कहाँ पे लेना है। और ये भी बता दोस्तों, कमेंट जरूर करना जो टीम आपको लगता है कि इस मैच में विन करेगी, या दोस्तों आप जिस टीम को फेवर कर रहे हैं उसका दोस्तों कमेंट में आपको नाम जरूर लिखना है। आगे में दोस्तों बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो प्लेयर बैटल है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। देखिए दीपक चहर ने शुभमन गिल को दो बार आउट किया, तो दीपक चहर ओपनिंग बॉलिंग करते और शुभमन गिल दोस्तों ओपनिंग बैटिंग करते, दोनों ही दोस्तों 100% आमने सामने हो गए। उसके बाद दोस्तों विद्यमान शाह की बात करेंगे, रविंद्र जडेजा ने दोस्तों दो बार आउट किया, तो विद्यमान शाह तो ओपन कर रहे और रविंद्र जडेजा फिफ्थ नंबर पर आएंगे, तो प्लेयर बैटल बनने के चांसेस ना के बराबर है। विजय शंकर, मिचेल सैंटन नहीं खेलेंगे, ये दोस्तों गलती से लिख लिया मैंने। मोहम्मद शमी की बात करेंगे, देवान कॉनवे ने दो बार आउट किया, तो मोहम्मद शमी, देवान कॉनवे 100% प्लेयर बैटल बनेगा, दोनों ही आमने सामने आगे, मोहम्मद शमी ओपनिंग बॉलिंग करेंगे, देवान कॉनवे दोस्तों ओपनिंग बैटिंग करेंगे। रशीद खान, ऋतुराज गायकवाड़, प्लेयर बैटल बनने के चांसेस तकरीबन 40% है, क्योंकि रशीद खान को जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरे ओवर के बाद लाया जाएगा, हो सकता है कि फिफ्थ ओवर के बाद लाया जाए, और अगर ऋतुराज गायकवाड़ तब तक टिक गए तो फिर दोस्तों प्लेयर बैटल देखने को मिलेगा। अंबती रायडू, मोहम्मद शमी, इनका भी प्लेयर बैटल देखने को मिल सकता है अगर अंबती रायडू थर्ड या फोर्थ नंबर पर आएंगे, लेकिन चांसेस डाउन है। मोइन अली की बात करेंगे, रशीद खान तीन बार आउट किया दोस्तों, टिविटिया दो बार, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि आपको यह पता चले कि किस बैट्समैन ने किस बॉलर ने किस बैट्समैन को कितने बार आउट किया। आगे में दोस्तों बात करेंगे, ग्रैंडी के इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए दोस्तों, ग्रैंडी की टीम्स मैंने आपके लिए बनाई है, और ये ग्रैंडी की टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट मिलेगी, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, 15 मिनट में मेगा लीग की 6 टीम आपको मिल जाएगी। आगे में दोस्तों बात करेंगे, अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं इस मैच में जो कि मेगा लीग में, अंबती रायडू को सिर्फ टीम में रखना है, मोइन अली को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना है,
जासू ईशान्य का आपको टीम में रखना है। अगर फोर्थ नंबर पे आएंगे तो नूर अहमद, मोहित शर्मा, तीक्षा नाइन, तीनों बॉलर को आपको टीम में रखना है। अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं शुभमन गिल, कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, रशीद खान और रविंद्र जडेजा। दोस्तों ये जो पांच प्लेयर हो गए पूरी तरह से 100% सेफ है, मतलब इनके पॉइंट देने की गारंटी 100% है। ठीक है, कोई फ्लॉप हो जाए इससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शुभमन गिल, कॉनवे, इन दोनों में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाते हैं और वाइस कैप्टन दोस्तों हम हार्दिक पांड्या को बनाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या लास्ट के तीनों मैचेस में बॉलिंग नहीं की तो मैच थोड़ा बहुत हमारी टीम अच्छी होगी लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप होकर मतलब नहीं बनेगा। तो हार्दिक पांड्या, अजिंक्य रहाणे, विद्यमान शाह, मोहम्मद शमी, मोइन अली, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, लेकिन आपको ग्रैंड लीग में। अब दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, हम जल्दी से चलेंगे और दोस्तों हमारी हम स्मॉली की टीम बना लेंगे। सो दोस्तों अब हम स्मॉली की टीम बनाने वाले, आपको बता दूं आपको विजन 11 पे प्ले करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, हेड टू हेड थ्री मेंबर्स में विनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। विजन 11 की लिंक आपको फिर से बता दूं डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए डेवॉन कॉनवे, विद्यमान शाह, महेंद्र सिंह धोनी है, हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है, तो टीम बनाने के लिए हम ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, इतना लंबा वीडियो कौन देखता है, मैं भी खुद नहीं बनाता हूँ। तो देखिए डेवॉन कॉनवे को लेना, विद्यमान शाह को फिलहाल के लिए ड्रॉप करेंगे क्योंकि विद्यमान शाह के लास्ट के तीनों ही मैचेस में इन्होंने 12 के ऊपर स्कोर नहीं किया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्की ऑप्शन हो गए। उसके बाद दोस्तों बैटिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, बैटिंग सेक्शन में शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, इन तीनों को आपको ट्राई करना चाहिए। हालांकि शिवम दुबे फिफ्थ नंबर पे आ रहे लेकिन बैटिंग मिलने के चांसेस 100% है और लास्ट के चार मैचेस में इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, 25 प्लस ही पारी खेली है, उससे पहले बैटिंग नहीं मिली, उससे पहले भी तीन मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था। शिवम दुबे फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं हो रहे, हो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहे। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, दोस्तों इन दोनों को हमने ट्राई किया। अब दोस्तों हमारे पास पांच ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो दोस्तों मोइन अली को लेके बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मोइन अली किस नंबर पे आएंगे, बॉलिंग करेंगे दोस्तों टॉस के बाद पता चलेगा। या दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से मैं आपको बता दूं चार बॉलर को लेना चाहिए, रशीद खान, मोहम्मद शमी, तुषार देशपांडे और मेरे हिसाब से पाथी राणा। हम दीपक चहर को ड्रॉप करके पाथी राणा को पिक करेंगे, मेरे हिसाब से पाथी राणा इस मैच में विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि पाथी राणा एक इफेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं इस पिच पे, तो दीपक चहर को ड्रॉप करके हमने दोस्तों पाथी राणा को पिक। आप देखिए दोस्तों इस पिच पे बॉलिंग पिच होती है, बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, तो दीपक चहर मतलब पांच बॉलर को लेना है। लेकिन अगर बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है तो विद्यमान शाह के साथ जा सकते हैं आप, जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिला, या दोस्तों विद्यमान साहब बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं, विकेट कीपिंग से, लेकिन अगर ये 10 रन पे आउट हुए और बॉलर्स को पहले 6 ओवर में सपोर्ट मिला तो टीम फ्लॉप हो सकती है। ऐसे में दोस्तों हम डेविड मिलर को पिक कर सकते हैं, डेविड मिलर किस नंबर बैटिंग करने के लिए आ रहे, 6 नंबर पे, या फिर इनको दोस्तों 5 नंबर पे भेजा जा सकता है, या दोस्तों अजिंक्य रहाणे को भी हम दोस्तों पिक कर सकते हैं। लेकिन इस मैच में रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, रिस्क नहीं लोगे टीम 100% फ्लॉप होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों टीम हम उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमें लगता है कि पिच पे बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल तो दोस्तों देखा जाए सेफ जाएंगे तो हम विद्यमान शाह को, रिस्क लेना है दोस्तों डेविड मिलर को पिक कर सकते हैं, दोस्तों मोइन अली को पिक कर सकते हैं। फिलहाल के दोस्तों हम यहाँ पे सेफ जाएंगे और टॉस के बाद तो टीम में चेंजेस हो गए, ध्यान में रखना। अब देखिए कैप्टन किसको बना सकते हैं, कैप्टन हम दोस्तों रविंद्र जडेजा को बना सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है देखिए ज्यादा लोग रविंद्र जडेजा को कैप्टन ही बनाएंगे, लेकिन स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, एक विकेट रविंद्र जडेजा को मिल सकता है और बैटिंग इस मैच में रविंद्र जडेजा को 100% मिलेगी। 7 नंबर पे भी आएंगे तो भी बैटिंग मिलेगी, तो 25 रन और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए और एक विकेट, तो तकरीबन 50 पॉइंट दे सकते हैं, 50 पॉइंट गुनेला दो हो गए, हमें 100 पॉइंट दे सकते हैं कैप्टन के रूप में, अदरवाइज दो विकेट निकाले तो 150 पॉइंट दे सकते हैं। अब दोस्तों वाइस कैप्टन की बात करेंगे, शुभमन गिल, या दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो कैप्टन आप डेवॉन कॉनवे को भी बना सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन टॉस के बाद ही हम कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोचेंगे। टीम का प्रीव्यू देखा देते दोस्तों, ये टीम का प्रीव्यू होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, फाइनल टीम में चेंजेस हो गए, चेंज होगी तो टीम आपको अपडेटेड करके मिल जाएगी दोस्तों, अपडेट करके आपको टीम मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ लास्ट के 15 मिनट में मेगा लीग की भी 6 टीम मिलेगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो बेल आइकन उस पर क्लिक जरूर करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।